अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा आज क्वेश्चन सर ये है कि जो लोग आपसे अनरूड बिहेवियर करते हैं उनसे आप कैसे टैकल करते हैं या उनसे कैसे मामला करते हैं? आपने ये पूछा है कि जो लोग आपके साथ ज़रा रूड बिहेव, उनका बिहेवियर हो और आपके साथ रफ़ गुफ्तगू करें तो उनसे कैसे डील करें, यही आपने कहा? जी बिल्कुल सर। हाँ, देखिए इस तरह ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं कि जो आपको नाराज़ करते हैं, जो आपको गुस्सा दिलाते हैं और आपसे ऐसी बात करते हैं जो कि रीज़नेबल नहीं होती, तो उनको कैसे डील करें, ये एक वाकई एक अहम मसला है। और बाज़ औक़ात हम उनको जब सही डील नहीं कर पाते तो उसके नतीजे में कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा हो जाता है, लड़ाई और ज़्यादा हो जाती है जो कि दुश्मनी तक चली जाती है। उस सिलसिले में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो शख्स आपके साथ रफ़ गुफ्तगू कर रहा है, आप ये सोचें कि वो आपके साथ रफ़ गुफ्तगू क्यों कर रहा है। उसमें एक तो ये हो सकता है कि वाकई आपका कसूर हो, ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि एक आदमी आपसे इसलिए लड़ने के लिए आ गया कि आपकी वजह से उसको तकलीफ़ पहुंची है, आपकी वजह से उसको नुकसान पहुंचा है, या आपके बारे में उसको कुछ ऐसी बात पता चली है जो कि गैर मुनासिब थी। तो अगर तो ऐसी बात है फिर तो आप ऐसे बंदे को नहीं हैंडल कर सकते प्रॉपरली। उसके तो हैंडल करने का तरीका ही एक है कि आप उसे कहें कि यार अगर ये बात है ना तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मुझसे, क्योंकि ये तो एक ईमानदारी और ऑनेस्टी की बात है ना। अगर तो वो जेन्युइन आपसे लड़ रहा है तो फिर तो आप ये कहें कि मैं किसी स्किल सीख लूँ, मैं हैंडलिंग स्किल सीख के उसको काबू कर लूँ, तो वो तो बिल्कुल सही नहीं होगा। वो तो आप ड्रामा करेंगे ना, झूठ बोलेंगे, और झूठ के साथ तो आप कभी भी किसी चीज़ को विन नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर आप उसको हैंडल करेंगे भी ना तो आप एक और झूठ बोलेंगे, फिर उस झूठ को बचाने के लिए एक और झूठ बोलेंगे, फिर झूठ का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हम उस शख्स की बात नहीं कर रहे कि जो कि वाकई आपसे तंग हुआ है और गुस्से में आके बोला है, उसके साथ तो एक ही तरीका है कि भाई गलती हो गई, वाकई तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती, पता नहीं मैं किस फेज़ में था, मुझसे गलती हो गई तो तुम मुझे माफ़ कर दो और इससे आगे हम शुरू करते हैं, उसका तो है ये तरीका। लेकिन मेरा ख्याल है आपका सवाल इस बारे में नहीं है, आपका सवाल उन लोगों के बारे में है कि जो जेन्युइन नहीं है, वो खुद आपके ऊपर ज्यादती कर रहे हैं और आपके साथ रूड हो रहे हैं, हालांकि रूड नहीं होता, अगर छोटी सी बात थी उस पर इतना रूड नहीं होना चाहिए, तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो सबसे अहम बात है वो आप ये समझने की कोशिश करें कि ये बंदा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी कई वजूहात, एक तो हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करता हो, आपकी तरक्की को ना देख सकता हो, आपकी कामयाबियों से जलता हो और आपका मुकाबला कर ना सकता हो सारे में, तो वो अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को दूर होने के लिए आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, आपको टीज करने की कोशिश कर रहा है। अमूमन यही वजह होती है, अमूमन जो लोग बगैर वजह के गुस्से होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं, अमूमन ये वो लोग होते हैं जो डरे हुए लोग होते हैं, जिन्हें अमूमन इस बात का ख़तरा होता है कि उनकी सिक्योरिटी यानी फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, कोई भी सिक्योरिटी खतरे में है। तो एक एल्गोरिदम है कि इनकॉम्पिटेंसी लीड्स टू फियर, फियर लीड्स टू एंगर, आप काबिल नहीं हैं किसी काम के, इसकी वजह से आपको आपको एक खौफ पैदा हो जाता है और वो खौफ गुस्से की शक्ल के अंदर बाहर निकल आता है। तो उनका ये पर्पज़ है। अच्छा, अगर वो इस पर्पज़ के साथ आपके साथ रूड गुफ्तगू कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनका पर्पज़ ये था कि वो आपको भी गुस्से वाले इस चक्कर के अंदर खींच लें और आपको अनसेटल कर लें और आपको परेशान कर दें, तो उसका उनका पर्पज़ पूरा हो गया। मैं ज़रा उसको सुना के आता हूँ, मैं ज़रा देख के आता हूँ क्या कहता, तो उसका तो पर्पज़ ही ये था कि आपको परेशान करे और आपको नाराज़ करे। तो अगर आपने उसका पर्पज़ पूरा कर दिया और उसके साथ गुस्सा करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, तो बेसिकली तो उसका पर्पज़ पूरा हो गया। लिहाजा सबसे बुनियादी बात इस किस्म के आदमी से डील करने की ये है कि आपने आगे से गुस्से नहीं होना, आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने रिएक्ट नहीं करना, लेकिन आपने रिस्पॉन्ड करना है। ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल आपने मुंह पे थप्पड़ खाते रहें और गालियां सुनते रहें, लेकिन रिएक्ट नहीं करना। और फौरी तौर पर आपने अपनी ये जो होंठ है ना, इनको आपस में सी लेना है, जबान को बंद कर लेना, लेकिन आउट ऑफ कनेक्ट नहीं हो जाना, यानी पैसिव लिसनिंग नहीं करनी, एक्टिव चुप करके उसकी बात को सुनते रहें।
उस वक्त तक ना बोलें जब तक वो अपनी बात खत्म ना कर दे। आते ही उसने एक गाली दी, दरवाजे को जोर से धक्का दिया और उन्होंने कहा मैं देख लूंगा तुम्हें। फौरन आपने इसका जवाब देना शुरू नहीं कर देना, आपने चुप करके उसकी बात सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है, हत्ता कि वो पूरी तौर पे एग्जॉस्ट हो जाए। एक तो सर बहुत दफा उस बेचारे का गुस्सा जो है ना ये 10-15 मिनट के शाउट करने से खत्म हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर आपने रिस्पॉन्ड करना है तो फौरी तौर पर उस गुस्से के बारे में कोई बात ना करें, जिस मौजू पर बात हो रही है ना उसके बारे में, इसको दिल्ली ना देनी शुरू कर दें कि देखो तुम ये जो कह रहे हो ये गलत है, ये ऐसा नहीं था, वो तो ऐसा था, मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो इसलिए कहा था। उस वक्त उसका दिमाग दलील सुनने की पोजीशन में है ही नहीं, उसका कॉर्टेक्स ऑफ हुआ हुआ है, उसका सोचने समझने वाला रीजनिंग वाला दिमाग ऑफ हुआ हुआ है, वो जिस दिमाग से काम कर रहा है वो इमोशन वाला दिमाग है, उसके अंदर लॉजिक नहीं जाता, उस गरारी में वो गरारी फिट ही नहीं होती। तो वो मौका दलील दे के उसको कायल करने का है ही नहीं। उस मौके पर आप उसको, अगर आपका हिस्से ज़राफ़त बहुत मजबूत है तो आप इमीडिएटली, जैसे मेरा कोई मेरा अपना बेटा आके मुझसे लड़ लग जाए और आके एकदम शॉर्ट, या मेरा भाई है, तो मैं इसको फौरी तौर पर किसी ज़राफ़त वाले जवाब भी दूंगा, यार तू इतना गुस्से हुआ है, गुस्से में तो तू बहुत खूबसूरत लगता है यार, ईमान से तेरा तो चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे तू किसी फिल्म का हीरो है। अगर आपका उसके साथ इतना ताल्लुक है कि आप उसको किसी तरीके से किसी ज़राफ़त की उसमें ले आए, लेकिन उस जिस मौजू पर बात हो रही है उस मौजू पर बिल्कुल बात ना करें और अपने आप को बिल्कुल उसके रहमो करम पर ना छोड़ दें और रिएक्ट ना करें। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ही उसके अंदर वो सारी फिजा जो है जज्बाती वो ख़त्म हो जाएगी और वो अब सुनने वाले मोड के अंदर आ जाएगा। अगर आपने आगे से रिएक्ट करना शुरू कर दिया और आगे से उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया तो फिर ये बात सवाए, चाहे आप ये ना कहें कि हम तो हक पर थे, बात हक पर नहीं है, बात ये है कि इस पूरे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो आपका गुस्सा कभी भी एक गुस्से का मुतबादल, आग लगी हो तो उस पर मजीद तेल डालने से आग बुझती नहीं है, आग तो उसको टाल दें। और अगर आपने कोई बात कहनी भी है तो मजाक की सेंस में कहें, जो पैगाम उसको देना है वो मजाक की सेंस में दें, वो लाइट टोन में दें, वो रिटेलिएटिंग टोन में ना दें, रिस्पॉन्सिव टोन के अंदर दें। तो इस वक्त को गुजार लें, उस वक्त के गुजारने के बाद जब वो आर्गूमेंट की फेज़ में आ जाए फिर बैठ के उसके साथ कोई दलील या उसके साथ बात कर दें। ये तरीका है मेरे ख्याल में एक आदमी को फौरी तौर पर एक्यूटली एमरजेंसी सिचुएशन में डील करने का। खामोश रहें, सुनते रहें और अपने चेहरे से बिल्कुल ना, और उसकी एक ख़ास टेक्निक ये है, आपकी टोन चेंज ना हो और आपकी आवाज़ का वॉल्यूम चेंज ना हो और आपका पोस्चर चेंज ना हो। अब जैसे बैठे हैं आप वैसे ही बैठे थे, अब जितनी टोन में बोल रहे थे उसी टोन में बोल रहे थे और जितनी ऊंचा बोल रहे थे उतना बोल रहे थे। अब इसी तरह अगर आप रखेंगे तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद आप उसको हैंडल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।